कि हमारे पास एक बोर्ड है कॉम्पैल LA4031P, HP का बोर्ड है और हब आर्किटेक्चर है। इसमें मैं आपको स्कीमेटिक प्लस उसका जो प्रैक्टिकल है दोनों प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो इसमें हमें लेना है वोल्टिन सर्किट। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका वोल्टिन सर्किट, क्योंकि इसके वोल्टिन सर्किट में आपको कंपैरेटर का यूज किया गया है। अब ये कौन सा कंपैरेटर, तो लगभग वही कंपैरेटर होता है जो कि आजकल के बोर्ड में चार्जिंग आईसी के अंदर रहता है। जैसे कंपैरेटर की बात मैंने की थी ना कि उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना, और उसी से हमारा एसी ओके का कंसेप्ट बनता है। तो चार्जिंग आईसी के बाहर यहाँ पर कंपैरेटर का यूज किया गया है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लेना है वोल्टिन सर्किट। तो वोल्टिन सर्किट के लिए सबसे नीचे आइए, वन बाय वन ऊपर जाइए, और हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, डीसी जैक से। डीसी जैक पे जाएंगे, कहाँ पर है डीसी जैक, बैटरी कनेक्शन है, ये नहीं चाहिए हमें। हम यहाँ पर देखें, ये रहा हमारा डीसी जैक, ठीक है ना। दो पिन जो है इसका ग्राउंड के लिए है, और दो पिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा एक कॉइल से लग के कैपेसिटर होते हुए, मतलब फिल्टर होते हुए, ये हमारा एक कौन सा पॉइंट बना है, विन पॉइंट बना। ये जो हमारा पॉइंट है विन पॉइंट, और विन पॉइंट को अगर हम यहाँ पर ले तो यहीं पर ये नीचे विन का सर्किट स्टार्ट हो गया है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर विन का सर्किट स्टार्ट हो गया है। इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। बोर्ड बेशक पुराना है ये, लेकिन अगर इसके कंसेप्ट की बात करें तो जो आजकल के लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं उससे भी टफ कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी जब विन सर्किट की बात आती है तो जनरेशन से कोई लेना देना नहीं, किसी भी जनरेशन का बोर्ड हो विन सर्किट हमेशा कॉमन रहा है। यहाँ तक कि जो न्यू जनरेशन है उसी में आपको इजी है विन सर्किट का कंसेप्ट, और जो पुराने बोर्ड आते हैं हाव आर्किटेक्चर के या फर्स्ट सेकेंड जनरेशन्स के, वही आपको टफ है, उसी को समझना टफ होता है, नए में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये रहा हमारा वोल्टेज पॉइंट। यहाँ पर हमारा अगर हम एडाप्टर लगा के रखते हैं या डीसी सप्लाई से हम देते हैं 19 वोल्ट, करेक्ट। यहाँ पे 19 वोल्ट आया। अब देखो 19 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा। एक तो 19 वोल्ट हमारा इस PQ1 मॉस्फेट के ड्रेन पे आया। कौन सा मॉस्फेट है ये, पी चैनल है हमारा ये। साथ ही साथ 19 वोल्ट हमारा इधर भी आया, देखो आप 47K से होता हुआ इधर को भी 19 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो ये स्केमेटिक को समझना है, अलग अलग रास्तों को देख के समझना है। पहला रास्ता कि हमारा 19 वोल्ट का ये है, दूसरा ये इधर कहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले एक चीज़ को समझिए तो ऑटोमेटिक दूसरा समझेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल जो हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिलना चाहिए होगा क्या, देखो 19 वोल्ट आया, 19 वोल्ट पास कर जाएगा, 19 वोल्ट पास कर जाएगा। ये जो पी टू पॉइंट है, पी टू वोल्टेज पॉइंट, यहाँ पर भी क्या बना हमारा 19 वोल्ट, करेक्ट। ये हमारा क्या है, आरवी फेट, ये मेरा आरवी फेट, और ये हमारा एसी फेट। मतलब वोल्टिन के जो दो मॉस्फेट होते हैं उसमें हमें पहले ये देखना होता है कौन सा आरवी फेट है कौन सा एसी फेट है। एसी फेट मीन्स जो एडाप्टर करंट को ड्राइव करके आगे जाने देगा, और आरवी फेट का काम क्या है, एडाप्टर वोल्टेज के लिए तो ये पास कर देगा बट बैटरी वोल्टेज को हर हाल में इसने ब्लॉक करना है। तो आज की क्लास में हम दोनों देखेंगे कि हम यहाँ पर भी वोल्टेज डाल के देखेंगे कि ये ब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कंसेप्ट है कि ब्लॉक करेगा, किस वजह से ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो 19 वोल्ट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जब 19 वोल्ट आया तो ये पी चैनल मॉस्फेट का सोर्स पे आया। अब ये पी चैनल मॉस्फेट का सोर्स अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा डायोड पोजीशन क्या है, रिवर्स है। तो ये 19 वोल्ट इधर तभी आएगा जब गेट की प्रॉपर बाइसिंग होगी, है ना। गेट की प्रॉपर बाइसिंग के लिए आपको पता है कि पी चैनल मॉस्फेट के सोर्स पे अगर 19 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है गेट पर क्या वोल्टेज होना चाहिए। एक हमारा एवरेज है कि 9.5 वोल्टेज तक, है ना। तो ये हमारा मानना है, बाद में कि
स्केमेटिक्स में क्या डिजाइन है, क्या वोल्टेज आना चाहिए वो आप देख लो, है ना। तो अगर आप गेट का कनेक्शन देखो, यहाँ पे गेट के कनेक्शन पे ये वोल्टेज डिवाइडर दिख रहा है ना, ये मेरा RF रजिस्टर हो गया, मेरा आर्डोन रजिस्टर हो गया, ठीक है ना। तो 19 वोल्ट जब इधर को इधर आएगा, ऐसे करके आएगा, तो इसको एक रास्ता इधर भी जाने को मिलेगा, है ना। लेकिन ये वोल्टेज डिवाइडर हमारा तभी काम करेगा जब इस रजिस्टर को नेगेटिव मिलेगा। लेकिन देखो नेगेटिव के पाथ पर क्या है, ये एक मॉस्फेट लगा रखा है, शॉर्ट 23 वाला, शॉर्ट 23 वाला मतलब छोटा सा जो मॉस्फेट होता है ये वाला, है ना, ये मॉस्फेट लगा रखा है। ये तो हमारे पावर मॉस्फेट हो गए, ये हमारे लॉजिक मॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जब तक ये मॉस्फेट कंडक्ट नहीं करेगा करेगा तब तक इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो सारी बात यहीं पर आ जाती है कि 19 वोल्ट अगर यहाँ पर आया, अगर ये मॉस्फेट मेरा कंडक्ट नहीं किया, तो ये मॉस्फेट कंडक्ट कब करेगा, ड्रेन टू सोर्स कंडक्ट करेगा, कब करेगा, जब गेट पे वोल्टेज होगा, है ना। गेट पे वोल्टेज नहीं होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा तो इस रजिस्टर को ग्राउंड नहीं मिलेगा, और अगर इस रजिस्टर को ग्राउंड नहीं मिला तो हमारा गेट पर क्या बनेगा, ये 19 वोल्ट इधर से आ करके यहाँ पर बन जाएगा 19 वोल्ट, करेक्ट। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा आप देखिए, यही 19 वोल्ट हमारा इधर भी आया, है ना, इधर आया, और ये देखो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, PQ4 एंड PQ5। PQ4 हमारा क्या है, PNP ट्रांजिस्टर है, करेक्ट, और ये हमारा क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो अभी देखिए थोड़ा सा स्पेशल है ट्रांजिस्टर, क्यों स्पेशल ट्रांजिस्टर है, केवल ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि इसके हम देख रहे हैं अंदर में ये रजिस्टर भी दे रखा है। तो ये 19 वोल्ट ऐसे हो करके, ऐसे हो करके, ऐसे हो के किधर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, कितना आ गया, 19 वोल्ट अप्रॉक्स, 19 वोल्ट। अब ये रजिस्टर कितना ड्रॉप करेगा नहीं पता, है ना, 19 वोल्ट, करेक्ट। अब 19 वोल्ट इधर आ गया तो ये PNP मेरा क्या रहेगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, इसकी कंडीशन क्या होगी, ऑफ रहेगा। ये मेरा कंडीशन क्या रहेगा, ऑफ का। ये PNP ट्रांजिस्टर मेरा ऑफ कंडीशन में रहेगा, मतलब PNP ट्रांजिस्टर का जो एक कलेक्टर है, कलेक्टर पे हमारा क्या वोल्टेज बनता रहेगा, वही वोल्टेज बनेगा जो यहाँ पर गेट वोल्टेज बनेगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, ये 19 वोल्ट अगर इसके बेस पर है, PNP के बेस पे है, तो 19 वोल्ट ये NPN के कलेक्टर पे भी आ रहा है, यहाँ पर ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा एमिटर है, एरो मार्क देख के आपको समझ में आ रहा है, ये मेरा एमिटर है और ये कलेक्टर है, करेक्ट। अभी देखो हमने यहाँ पे जिक्र किया था कुछ देर पहले कि 19 वोल्ट इधर भी आ रहा है। अब आप सोचिए, अगर ये 19 वोल्ट इधर आया, है ना, इस NPN को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो ये कंडक्ट कर जाएगा, और कंडक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये अगर नेगेटिव हो गया तो फिर ये कंडक्ट कर जाएगा, और ये कंडक्ट कर गया तो क्या करेगा, इसके एमिटर पे जो 19 वोल्ट था लेकर के किसको दे देगा, गेट को दे देगा, तो फिर से हमारा ये मॉस्फेट कट ऑफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम आती है कि आपका विन सर्किट का फाइनल आउटपुट हम कहाँ चेक करते हैं, हम चेक करते हैं इस पॉइंट पे, हमारी आदत है चेक करने की इस पॉइंट पे विन सर्किट का फाइनल आउटपुट 19 वोल्ट चेक करने की। ये क्या है, मेरा CLR है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, थर्ड टर्मिनल है, थर्ड टर्मिनल पे अगर आपको 19 वोल्ट नहीं आ रहा, आप सेकंड टर्मिनल पे चेक करो, है ना, कि यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपका AC फेट कौन सा है, RB फेट कौन सा है, वो लेना पड़ता है। RB फेट तो जस्ट एक डायोड की तरह वोल्टेज पास कर देगा, लेकिन AC फेट क्या करेगा, इसकी गेट की प्रॉपर बाइसिंग होनी चाहिए तभी ये वोल्टेज को आगे पास करेगा। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर मेरा इस टर्मिनल पर 19 वोल्ट है, इधर 19 वोल्ट नहीं है, तो हम गेट का वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है ना। तो गेट पर जो हमें मोस्टली मिलता है इन सब केस में, कि गेट पे क्या आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं उन कारणों को कि हमें पता चले कि यहाँ पर 19 वोल्ट क्यों आ जाता है। तो एक कारण इसका क्या हो सकता है, अगर ये मेरा मॉस्फेट ऑन नहीं हुआ, ये मॉस्फेट ऑन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे 19 वोल्ट बनेगा, पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है रजिस्टर ड्राई हो जाए तो भी यहाँ पे 19 वोल्ट बनेगा। तीसरा कारण कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तो भी यहाँ पे 19 वोल्ट बनेगा। हम हर चीज़ एक एक करके चेक करेंगे, हम कैपेसिटर को शॉर्ट करके भी देखेंगे, बात समझे ना। और क्या कारण बन सकता है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर जाए तो भी यहाँ पे 19 वोल्ट बनेगा, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर जाए
आप सोचो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट कर गया, ये हमारा बेस नेगेटिव हो गया तो ये ऑन हो जाएगा, तो भी 19 वोल्ट बनेगा, है ना। अच्छा, और दूसरी बात, यहाँ पर जो सर्किट इस तरह से डिजाइन है कि विन वोल्टेज यहाँ पर आएगा ही आएगा, है ना। तो विन वोल्टेज अगर यहाँ पर आएगा तो ये कंडक्ट करेगा, और ये कंडक्ट करेगा तो ये भी कंडक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या जरूरत है, यहाँ पे जो विन वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट, ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, तो ड्रॉप कौन करेगा, ये कैसे ड्रॉप करेगा ये। तो देखो यहाँ पर अगर 19 वोल्ट आता भी है, ये अगर मेरा ऑन हो जा रहा है तो ये कंडक्ट कर जाएगा ड्रेन टू सोर्स, ये 19 वोल्ट क्या हो जाना है, ग्राउंड हो जाना है। मतलब यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 वोल्ट। अगर मैं मल्टीमीटर से चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पर बीप मिलना चाहिए, अगर कंटिन्यूटी पे चेक करूँगा मैं, अगर ये मेरा ऑन है, ये मेरा कंडक्ट कर रहा है, और अगर मैं मल्टीमीटर से यहाँ पर चेक करूँगा तो मुझे बीप मिलना चाहिए या लो इम्पिडेंस मिलना चाहिए, करेक्ट। तो सारी बात ये आ जाती है कि ये ऑन कैसे होगा, जब इसके गेट पर वोल्टेज आएंगे, है ना। ये मेरा एन चैनल है, ये भी एन चैनल है, तो आप देखो इसका गेट और इसका गेट दोनों आपस में कंबाइंड है। और जनरल सा रूल है कि ये जो मॉस्फेट्स होते हैं इनको ऑन करने के लिए क्या आता है, हमारा अप्रॉक्स 3 वोल्ट आता है, 3.2 3.3 वोल्ट आता है। ये कहाँ से आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है देखना। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आया, अगर मान के चलिए इस पॉइंट पर, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है, इस पर अगर मेरे को 3.3 वोल्ट नहीं मिला तो ना तो ये ऑन होगा ना तो ये ऑन होगा। तो दोनों तरफ से क्या होगा, ये ऑन नहीं हुआ तो ऐसे भी किसी वजह से अगर इस पॉइंट पे 19 वोल्ट आ भी गया तो यहाँ पर भी 19 वोल्ट रहेगा, और अगर ये ऑन नहीं हुआ, अगर ये ऑन नहीं हुआ तो भी गेट पे 19 वोल्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि मेरा इस टर्मिनल पे 3.3 वोल्ट कैसे बनेगा। तो हम देख सकते हैं कैसे बनेगा, देखो एक यहाँ पर 3K का रजिस्टर दे रखा है और क्या लिखा है, पैक इन, ठीक है ना, पैक इन। तो सारी बात आ जाती है इसके ऊपर, इस पैक इन के ऊपर कि ये पैक इन कैसे आ रहा है, इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो पैक इन को लेकर अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, हम पैक इन को लेकर के आगे आते हैं, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, पहले इसी पेज पर देख लेता हूँ पैक इन का कंसेप्ट है क्या। बिल्कुल ये दिख रहा है हमें पैक इन का कंसेप्ट है, मतलब ये पैक इन पे जो वोल्टेज बनेगा वो आपको कुछ ऐसे आ रहा है, यहां से आ रहा है, करेक्ट। यहां पर बनेगा क्या, यहां पे लिखा हुआ है 3.2 वोल्ट। अब ये 3.2 वोल्ट बनने का क्या कंसेप्ट है उसको समझना है, यहां पर जो कंपोनेंट्स लगे हैं ये किस तरह से काम करेंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहली बात, यहां पर हम देख रहे हैं एक आईसी का यूज किया गया, LM393। ये क्या है, मेरा कंपैरेटर, ये वही कंपैरेटर है जो चार्जिंग आईसी के अंदर भी होता है एसीओ के फंक्शन के लिए, है ना। और इसका हमने डिस्कशन भी किया है कंपैरेटर का क्या लॉजिक होता है। तो कंपैरेटर में ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, सरल शब्दों में हमें समझना है कि इस कंपैरेटर के दो टर्मिनल है इनपुट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। एक को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, एक बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव से ज़्यादा हुआ, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल मतलब पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज आएगा उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर मेरा पिन नंबर 3 पे आया तो मेरा ये पाथ क्या रहेगा, हाई इम्पिडेंस में। ये पाथ क्या रहेगा मेरा, हाई इम्पिडेंस में। और अगर ये पाथ मेरा हाई इम्पिडेंस में है तो इस पाथ पे जो भी लॉजिक दे रखा है वोल्टेज बनाने के लिए वो लॉजिक मेरा काम करेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज बनाने के लिए लॉजिक क्या है, तो आप देख सकते हो विन वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, एक वोल्टेज डिवाइडर यहाँ बन जा रहा है, प्लस यहाँ पे जेनर डायोड दे रखा है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर फिक्स 3.2 वोल्ट बनने देगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब मेरा पॉजिटिव पे नेगेटिव से ज़्यादा वोल्टेज हो। और अगर किसी भी सूरत में नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव से ज़्यादा हो गया तो मेरा ये जो पाथ है उसकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ग्राउंड से। इसकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ग्राउंड से, मतलब ये लो इम्पिडेंस पे आ जाएगा। और लो इम्पिडेंस पे अगर आ गया तो जाहिर सी बात है लॉजिक अगर काम भी किया तो सारा वोल्टेज क्या हो जाना है, ग्राउंड हो जाना है, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अभी हमें यह समझना है कि पिन नंबर 2 पे क्या बनेगा, पिन नंबर 3 पे क्या बनेगा। तो देखो पिन नंबर 2 पे जो वोल्टेज बनना है उसके लिए यहाँ पर क्या किया है, एक डायोड पैक का यूज किया। अगर आप ये देखो यहाँ पर ये एक तरह का डायोड ही है, कैथोड देख रहे हैं, मैनोड देख रहे हैं और आरईएफ देख रहे हैं रेफरेंस,
ठीक है ना। देखने में तो ये लग रहा है हमें 5 लेग का एक आईसी की तरह, 5 लेग की आईसी है, लेकिन ये पिन इसका क्या है, कनेक्ट नहीं है। और ये डायोड काफ़ी यूज में आता है आजकल के डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, जो पीसीएच मदरबोर्ड होते हैं आजकल के, उसमें डायोड का काफ़ी ज़्यादा यूज है ना। तो अब ये देखो ये डायोड किस तरह से काम करेगा। तो जनरल सी बात है, मैंने आपको बोला कि एक तरह का ये क्या है, जेनर डायोड है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें फिक्स लिख दे रखा है कि कैथोड पॉइंट पर वोल्टेज क्या बनेगा, 1.24, क्या बनेगा, 1.24। तो यही 1.24 वोल्टेज मुझे कहाँ मिलेगा, इस जगह पे। अगर मैं इस पैक को हटा दूँ तो इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज बनेगा, P2 पॉइंट पे जो वोल्टेज बन रहा है, P2 पॉइंट का वोल्टेज क्या है मेरा, 19 वोल्ट, अगर मैं इस पैक को हटा दूँ यहाँ से। लेकिन अगर ये पैक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को यहाँ पर फिक्स रखेगा 1.24 वोल्ट। जेनर लगा हुआ यहाँ पे, एक तरह का इस पैक के अंदर जेनर डायोड का कंसेप्ट है, बस इतना आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा इस पॉइंट पे क्या बनेगा, मतलब अगर मैं चेक करने जाऊँ इस रजिस्टर के इधर, तो मेरे को 19 वोल्ट मिलेगा, ठीक है ना। और इस रजिस्टर के इस साइड मेरे को क्या मिलेगा, 1.24, करेक्ट। अच्छा, अब मुझे देखना है कि इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज बन सकता है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो ये विन वोल्टेज आ रहा है, ये मेरा आर अप रजिस्टर, ये मेरा आर डाउन रजिस्टर। इसका हम कैलकुलेशन ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन ले अगर हम यहाँ पर, तो हमें कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता है, मेरा इनपुट वोल्टेज क्या है, 19 वोल्ट, मैंने 19 वोल्ट लिया, इनटू हमें क्या लेना है, आर डाउन, आर डाउन मेरा 10K है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, आर अप प्लस आर डाउन मीन्स 1110, 1110 क्या बन रहा है, 1.72, करेक्ट। तो यहाँ पर अप्रॉक्स 1.7 के आसपास वोल्टेज बनेगा, 1.7 के आसपास वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा है या नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है। तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो ये पिन नंबर 1 क्या रहेगा मेरा, हाई इम्पिडेंस में, हाई इम्पिडेंस में रहेगा। तो यहाँ पर फिर कौन सा लॉजिक काम करेगा, ये लॉजिक काम कर जाएगा मेरा, ये जो हम देख रहे हैं विन वोल्टेज पे एक डिवाइडर दे रखा है, वोल्टेज डिवाइडर, और फिर ये जेनर लगा रखा है। तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, 3.2 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3.2 वोल्ट बना, ये पैक इन बोल करके इधर भी आया, इधर आकर के क्या किया इसने, इस मॉस्फेट को ऑन कर दिया। ऑन करते ही फिर यहाँ का टोटल लॉजिक काम करने लगा, जिससे कि हमारे गेट पर वोल्टेज क्या बना, गेट पे एक्चुअल में वोल्टेज क्या बनेगा। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लेना पड़ेगा, एक आर अप रजिस्टर, एक आर डाउन रजिस्टर। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज क्या बन रहा है, फिर से मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 19 इंटू, ये मेरा आर डाउन हो गया 150 डिवाइड बाय आर अप प्लस आर डाउन, 200 प्लस 150 क्या बना हमारा, 8.14। तो एक्चुअल सिनेरियो में क्या होगा मेरा, यहाँ पर क्या बनेगा, 8.14। ओके कंडीशन में यहाँ पर क्या बनना है, 8.14। और चूंकि हम देख रहे हैं इस मॉस्फेट का गेट और इस मॉस्फेट का गेट दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 8.14। पास समझ में आ गई, और 8.14 बन रहा है, 8.14 बन रहा है, ये वोल्टेज मेरा इधर पास कर जाएगा, ये मॉस्फेट मेरा क्या कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर, यहीं से एक और सिग्नल निकला है, एसी इन मींस एडाप्टर करंट इन, किसको जा रहा है, सर सप्लाई है सही, ये इसकी सप्लाई ना, ये जो काम करेगा, कोई आईसी काम करेगा तो उसको सप्लाई ग्राउंड चाहिए ना, तो ये उसकी सप्लाई दे रखा है 19 वोल्ट। हाँ, ये आईसी जो है कोई आईसी काम तभी करेगा ना, ये तो इसका इनपुट है, पिन नंबर 2 और 3 पे इनपुट आ रहा है, इस इनपुट को कैलकुलेट करके डिसाइड करेगा मुझे आउटपुट के साथ क्या करना है। तो ये काम तभी करेगा जब इसको सप्लाई चाहिए, तो यहाँ से इसको क्या मिल रहा है, इसका वोल्टेज मिल रहा है, सप्लाई मिल रहा है, वर्किंग सप्लाई मिल रही है, और इसका ग्राउंड है, ठीक है ना। अच्छा, और ये देखो एसी इन एडाप्टर करंट इन, बेसिकली हम क्या देखते थे कि जो नए कॉन्सेप्ट के आईसी हैं उसमें ये एसी इन कहाँ से जनरेट होता था, चार्जिंग आईसी से। अब देखो एसी इन में क्या है, ये वाला सिंबल दे रखा है, मतलब ये सिंबल के आउटगोइंग का, तो जब एसी इन आउटगोइंग है तो वो किसके लिए हो जा रहा है, आईओ चिप के लिए। अगर एसी इन इनकमिंग है तो किसके लिए हो जाता है, चार्जिंग आईसी के लिए।
बेसिकली क्या होता है कि चार्जिंग आईसी का जो एक इनपुट है वो एसिन है, और इस एसिन को कैलकुलेट करके क्या देता है, वो एसी ओके देता है। एसी ओके चार्जिंग आईसी के लिए है, लेकिन आईओ के लिए क्या है, वो एसी इन। तो यहाँ पर जो एसी इन दिखा रहा है आपको, ये पेज नंबर 30 पे जा रहा है। 30 पे मेरा क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम, हमें ये भी देखना है कि जो एसी इन है इसका लॉजिक कहीं चेंज तो नहीं हुआ आईओ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 3.2 वोल्ट, और आईओ को जाना है। मैं 30 नंबर पे आता हूँ, तो पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया, 30 नंबर पे आए, और यहाँ पर मैंने पुट किया एसिन, और ये देखा मैंने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एसिन मेरा डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, आयो चिप से। मतलब यहाँ पे भी लॉजिक क्या रहेगा, हाई लॉजिक रहेगा। मीन्स यहाँ पर भी क्या वोल्टेज बनना चाहिए, वही वोल्टेज जो उस पॉइंट पे बन रहा है, 3.2। तो जाहिर सी बात है, जब एडाप्टर लगाया आयो पे 3.2 बना, तभी आयो चिप क्या करेगा, हमारा आगे का फंक्शन करेगा। आगे का फंक्शन में क्या हो जाता है, आपका जो सेकंड सर्किट है 3 और 5 का सर्किट, वो मेरा एक्टिव होगा। मतलब 3 और 5 का सर्किट बने, उसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, एसिन जरूरी है। एडाप्टर मोड पे 3 और 5 बने, इसके लिए क्या जरूरी है, आयो को एसिन मिलना चाहिए। वही अगर हम बैटरी मोड पे लेते हैं, तो बैटरी मोड पे एसिन बनता नहीं है, बैटरी मोड पे एसिन नहीं बनता, क्योंकि हमने एडाप्टर लगाया नहीं। तो इसीलिए आप मोस्टली लैपटॉप में देखोगे बैटरी मोड पे आपको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है स्टेप डाउन का वोल्टेज नहीं बनता, एडाप्टर मोड पे बनता है, करेक्ट। तो ये हमने सारा का सारा लॉजिक समझा। मीन्स ओके स्टेटस हम ले लेते हैं, थर्टी थ्री नंबर पेज पे थे हम, 33 पे आते हैं। ये क्लियर है, अब मैं ओके वोल्टेज यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल इसको हम हटाते हैं कि किस पॉइंट पे मुझे क्या वोल्टेज प्रैक्टिकली चेक करने पे मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपैरेटर हम देख रहे हैं ना, ना केवल इस बोर्ड में, जो एचपी के कमर्शियल मॉडल आते हैं ना, इलाइट बुक वगैरह, उसमें भी होते हैं। और वहाँ पर अगर ये आ रहा है LM393, होता ही होता है, ठीक है ना। और अगर इसका आपको लॉजिक नहीं पता, इसका कंसेप्ट नहीं पता, तो दिक्कत आ जाती है। अक्सर आपको इलाइट बुक मॉडल में एडाप्टर डिटेक्शन के लिए, एडाप्टर डिटेक्शन के लिए यही कंपैरेटर का यूज किया जाता है। तो सर ये सीन आईसी में नहीं होगा ना, इसकी चार्जिंग आईसी में नहीं होगा ना सीन? नहीं, ये नहीं है फिर, इसका चार्जिंग आईसी भी डिफरेंट है ना, देखो ना, एसी ओके कट, एसी इन कट, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट बाहर कर दिया ना। जो एसी इन का कॉन्सेप्ट है, एसी ओके का कॉन्सेप्ट इस आईसी से बाहर आ गया, तो आईसी भी डिफरेंट हो गई। चार्जिंग आईसी जैसा देखो, इसमें वैसा कुछ नहीं है जो हम देखते हैं। एडाप्टर आई है, एडाप्टर आई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 19 वोल्ट बनेगा, तो CLR के जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कैलकुलेट करके एडाप्टर आई से ये देगा आयो चिप को, ये है। लेकिन एसी इन एसी ओके आपको नहीं है, चूंकि यहाँ पर देखो पुराना बोर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर जो, अगर आप देखो जो चार्जिंग के लिए जो कंसेप्ट यूज किया गया है, चार्जिंग वोल्टेज बनाने के लिए, मीन्स 19 वोल्ट से यहाँ पर चार्जिंग का जो वोल्टेज बनाया जाएगा, तो यहाँ पर देखो जैसे जनरली हम क्या देखते थे, एन चैनल मॉस्फेट का कंसेप्ट होता था, एक मेन मॉस्फेट एक सपोर्टिंग मॉस्फेट, है ना, दोनों में क्या होते थे, दोनों को हम बोलते थे बक कन्वर्टर, ठीक है ना। ये भी एक तरह का बक कन्वर्टर, लेकिन काफ़ी पहले का बक कन्वर्टर है, आज के डेट में इस तरह का नहीं आता, आज के डेट में इस तरह का नहीं आता। एक यहाँ पे शॉटकी डायोड दे रखा है, और ये मेरा यहाँ पर पी चैनल मॉस्फेट दे रखा है। हम जो हमेशा से पढ़ते आ रहा है बक कन्वर्टर, वो क्या, एन चैनल का कंसेप्ट है, मेन मॉस्फेट एन चैनल, है ना, सपोर्टिंग मॉस्फेट एन चैनल। लेकिन अगर हम पीछे जाए, उससे पहले के कंसेप्ट पे जाए, तो उससे पहले यही कंसेप्ट था, उससे पहले यही कंसेप्ट था पी चैनल, हाँ पी चैनल का कंसेप्ट था यही, मतलब एन चैनल भी हो सकता है, पी चैनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मॉस्फेट नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पर डायोड है। आज भी अगर आप देखोगे, आप क्या बोलते हैं, IIT वगैरह में या BTech में जो बक कन्वर्टर का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उस कंसेप्ट में यही बताया जाता है, इधर मॉस्फेट इधर डायोड, इधर मॉस्फेट इधर मॉस्फेट, वो नहीं बताया जाता, बात समझे।
और इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं थोड़ा। अभी देखिए, जब आपका 19 वोल्ट इधर आया, यहाँ पे 19 वोल्ट आ गया, करेक्ट। ये रहा मेरा सी एल आर, यहाँ पर मेरा बन गया बी प्लस। बी प्लस क्या है? मेरा पावर सोर्स। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वोल्टेज मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होके इधर ये चार्जिंग के लिए भी आएगा, चार्जिंग बी प्लस। साथ ही साथ ये जो 19 वोल्ट बना इस पॉइंट पे, वो 19 वोल्ट हमारा इस मॉसफेट्स को भी आएगा। ये मॉसफेट क्या है, तो इसकी कनेक्टिविटी देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि ड्रेन मेरा बैटरी से कनेक्ट है, सोर्स मेरा विन के सीएलआर से कनेक्ट है। तो ये मेरा क्या है? डिस्चार्जिंग मॉसफेट। तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट में क्या है? पी चैनल है ये। डिस्चार्जिंग मॉसफेट में ये पी चैनल है। अब पी चैनल का कंसेप्ट है, अगर अगर यहाँ 19 वोल्ट आया तो ये 19 वोल्ट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। डिस्चार्जिंग है ना ये, चार्जिंग तो है नहीं। अगर ये कंडक्ट कर जाता है तो पूरा का पूरा 19 वोल्ट चला जाता है बैटरी पे। बैटरी को तो 19 वोल्ट नहीं चाहिए ना, वो तो उसके लिए ओवर वोल्टेज हो गया। बैटरी को तो उतना वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए, जितने वोल्ट का बैटरी है उससे 1.5 वोल्ट ज़्यादा कर लो, बात समझ ना, उतने पे चार्ज होगा मैक्सिमम। तो कहीं ना कहीं अब मेरे को क्या चाहिए कि अगर मैं अडेप्टर लगा रहा हूँ तो मेरा ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इसके बराबर वोल्टेज होना चाहिए। तो ये वोल्टेज भी हमारा कौन दे देगा? देख सकते हो आप यहाँ पर विन, मतलब इधर ये सर्किट प्रोसेस हुआ उससे पहले ये विन आ चुका, इधर इधर भी आ गया और हमारा इधर भी आ गया। तभी तो मेरा ये पूरा का पूरा लॉजिक जो है सही तरीके से काम करके यहाँ पर आपको 19 वोल्ट दिया। तो मीन्स अगर आप ओके कंडीशन हम ले लेते हैं कि मेरी ओके कंडीशन क्या है, कि मैं अगर इसको प्रैक्टिकली चेक करूँगा मदरबोर्ड के ऊपर तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्योंकि एस्केमेटिक समझने का मतलब क्या है, आप एस्केमेटिक्स को समझो, हर पॉइंट्स को क्लियर करो जो भी आपके पास मदरबोर्ड है ना, और फिर उस मदरबोर्ड पे आप प्रैक्टिकली चेक करो और ये देखो कि आपने जो अपने माइंड के हिसाब से एस्केमेटिक को समझा वो सही समझा या गलत समझा, ठीक है ना। तो पहले आप यहाँ पर वोल्टेज इंडिकेट कर लो। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ क्या बनेगा? 19 वोल्ट, करेक्ट। यहाँ पर भी मेरे को क्या मिलना चाहिए? 19 वोल्ट। 19 वोल्ट मतलब अभी मैं फिलहाल डीसी सप्लाई का यूज करूँगा, जो वोल्टेज दूंगा वो मिलना चाहिए। यहाँ पर भी क्या बनेगा? 19 वोल्ट, करेक्ट। इस पॉइंट पे मेरे को क्या मिलना चाहिए? गेट पे 8.14। यहाँ पर भी क्या बनेगा? 8.14। 19 वोल्ट मेरा यहाँ तक मिलेगा, 19 वोल्ट मेरा यहाँ तक मिलेगा, 8.14 मेरा इस पॉइंट तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा, करेक्ट है। यहाँ भी मिला 8.14, यहाँ भी क्या मिलना चाहिए मेरे को? 8.14। यहाँ मेरे को क्या मिलेगा? कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये मेरा क्या होगा? लो रहेगा, ठीक है ना। लो का मतलब अगर मैं कंटिन्यूटी पे चेक करूँ तो मेरे को यहाँ पर बीप मिलना चाहिए, ठीक है ना, ग्राउंड से बीप मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या बनेगा? 3.2 वोल्ट, करेक्ट। तो उस कंडीशन में ये मेरा क्या रहेगा? ऑन कंडीशन में रहेगा। ये 3.2 वोल्ट इधर भी आएगा तो ये भी मेरा क्या रहेगा? ऑन कंडीशन में रहेगा। ऑन कंडीशन में होने पर ये क्या होगा? ये मेरा क्या रहेगा? लो रहेगा, मतलब ये जो 19 वोल्ट इधर विन पे बन रहा है वो मेरा रजिस्टर के इस साइड तक मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? जीरो। वोल्टेज पे चेक करूँ तो जीरो, कंटिन्यूटी पे चेक करूँ तो मुझे यहाँ पर बीप मिलना चाहिए, बात समझे ना। अच्छा, अब अगर ये लो है तो ये मेरा क्या है? एनपीएन है, ये मेरा ऑफ रहेगा, करेक्ट। ये मेरा ऑफ रहेगा और ऑफ रहेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो ये 19 वोल्ट चूंकि हम देख रहे हैं ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके इधर भी आएगा, ये 19 वोल्ट इस पॉइंट पर मेरे को 19 वोल्ट मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये भी क्या रहेगा? मेरा ऑफ रहेगा, करेक्ट है। इतना हमने लिया, नीचे आ जाओ, 3.2 वोल्ट, यहाँ पर मेरा 1.7 वोल्ट, यहाँ पर मेरा 1.24, 1.24 कहाँ तक मिलेगा? इस पूरे पैट में, इस पूरे ट्रैक पे मेरे को 1.24 ही मिलेगा और यहाँ पर फिर मेरे को 19 वोल्ट मिलेगा।
करेक्ट है, मतलब इतना है मेरा करेक्ट पोजीशन। इसमें अगर कोई गड़बड़ हुआ, मेरा ये मॉस्फेट क्या करेगा, बिन वोल्टेज को इधर क्रॉस नहीं करेगा। और यही प्रॉब्लम आती है बिन सेक्शन में, ये प्रॉब्लम आती है। दो तरह की प्रॉब्लम आती है अगर हम बिन सेक्शन को लेके चले। एक तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, शॉर्टिंग तो आप फिजिकल लेवल पे चेक कर लो कि शॉर्टिंग है कि नहीं। और शॉर्टिंग कैसे निकालना है, वोल्टेज इंजेक्ट करके हम शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और दूसरा है कि लॉजिकल प्रॉब्लम है, गेट की बाइसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो गेट की बाइसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए फिर आपको पूरा का पूरा ये स्कीमेटिक समझना होगा, पूरे के पूरे लॉजिक को, पूरे कंसेप्ट को हमें क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा, हमने अपने पॉइंट्स को क्लियर कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे क्या वोल्टेज आएगा, ठीक है। देखिए ये मैंने मल्टीमीटर का इंटरफेस ओपन कर लिया, तो मल्टीमीटर के सारी कनेक्टिविटी मुझे यहीं पे मिलेगी, करेक्ट है। जो भी मल्टीमीटर पे चेक करूँगा मुझे यहाँ दिखेगा। ये मेरा स्कीमेटिक हो गया, और इधर मैं कैमरे को भी ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये दिख रहा है मैं PQ1 PQ2। तो जैसा कि अभी हमने कंसेप्ट लिया PQ1 PQ2, PQ1 PQ2 कौन सा हो गया, एक PQ1 हो गया, एक PQ2 हो गया। ड्रेन पर 19 वोल्ट, सोर्स पर 19 वोल्ट, गेट पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, दोनों के गेट पर 8.14 8.14 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको चेक करेंगे। तो गेट कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर गौर करें, लाइट सारे ऑन कर देना, ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो मेरे को चेक करना है, देखो ये मेरा क्वाइल हुआ PL1 क्वाइल, हमें देखना कहाँ है मल्टीमीटर पे। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ स्क्रीन को। मल्टीमीटर मेरे को इसका स्टेटस यहाँ दिखेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटस देखो, और यहाँ पर हम ले सकते हैं स्केमेटिक का स्टेटस जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले गेट, पहले तो हम देखना है ड्रेन पे, ड्रेन से पहले क्वाइल है, देखिए करेक्ट है 18.90। हम डीसी सप्लाई पे भी देख रहे हैं, हमने 18.95 दिया, तो राउंड फिगर है, ठीक है। मेरा क्वाइल पे ठीक है वोल्टेज, ड्रेन पर आए करेक्ट है वोल्टेज, सोर्स पर आते हैं करेक्ट है वोल्टेज। ये वोल्टेज आपको मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे 19 वोल्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। तो फिर हमें देखना है गेट, गेट पर मेरा क्या है, यहाँ पर 8.14, इसके गेट पे भी 8.14। ये मेरा PQ1, ये मेरा PQ2, ठीक है ना। तो दोनों का गेट देखो, PQ2 के गेट पर क्या आ रहा है, 8.06, राउंड फिगर मेरा सही है ये, ठीक है ना। और इसके गेट पे भी सेम होगा, फिर इसके गेट पर भी सेम, ये दिख रहा है गेट हमें 8.06। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना गेट कौन सा है। हमें क्या देखना होता है, एक एरो मार्क देखना होता है। एरो मार्क आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है एरो मार्क, मतलब ये पिन नंबर 1 2 3 4, ये मेरा गेट हो गया। इधर हम देख रहे हैं एरो मार्क इधर है, पिन नंबर 1 ये हो गया, या फिर डॉट देख के हमें पता चल जा रहा है 1 2 3। तो 1 2 3 सोर्स होता है, पिन नंबर 4 मेरा गेट होता है, ये मेरा ड्रेन होता है, करेक्ट है इतना चीज। इस कैपेसिटर की बात करी मैंने, अभी ओके कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा 19 वोल्ट, और इधर क्या बनेगा वही जो गेट का वोल्टेज है। तो ये कैपेसिटर आई थिंक यही वाला है, एक साइड देखो 18 वोल्ट और वो 19 वोल्ट, और दूसरी साइड देखे तो करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, PQ4। PQ4 क्या है देख लेते हैं, PQ4 मेरा ये हो गया, ये PQ4 है। इसका कंडीशन क्या है, कलेक्टर पे मैं, इसका एमिटर जो है, ये एमिटर पॉइंट है, इस पे मेरे को क्या मिलेगा 19 वोल्ट।
कलेक्टर पे क्या मिलेगा 8.14, और बेस पे क्या मिलेगा 20। चेक करते हैं, तो आपको इसका पता है, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, इसका कलेक्टर कलेक्टर पे मेरे को आ रहा है सही हमारा वोल्टेज, बेस पे देखिए बेस पे 19 वोल्ट बनना चाहिए, बन रहा है ठीक है ना, और इस साइड मेरे को क्या मिलेगा एमिटर पे भी 19 वोल्ट बन रहा है, मतलब मेरा ये कंसेप्ट ओके गया, यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद जो टेस्टिंग करनी है, मतलब इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है ठीक है ना, इसके लिए मुझे बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। फिलहाल मेरा CLR पॉइंट ये रहा PR7, जो कि हम देख रहे हैं ये रहा PR7 19 वोल्ट, चेक कर लो करेक्ट है मेरा ये। अगर आप देखो, अगर मैं मल्टीमीटर पे चेक करूँ 18.88 है ना, ये मेरा क्या फाइनल आउटपुट, ये मेरा फाइनल आउटपुट, और इनपुट मेरा क्या दिया था मैंने, कहीं कोई लीकेज नहीं है, बात समझे ना, जो मेरा इनपुट में वोल्टेज है वही मेरा आउटपुट पे भी वोल्टेज है, कहीं कोई लीकेज नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मेरी गेट की प्रॉपर बाइसिंग है, अगर यहाँ पर गेट की प्रॉपर बाइसिंग नहीं होती सर, गेट पे 90 वोल्टेज बनता तो CLR पे, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 19 वोल्ट बनता तो फिर यहाँ कुछ नहीं बनता है ना, तो ये भी कंडीशन मैं चेक करवाऊंगा आपको, पहले हम ओके कंडीशन देख रहे हैं फिर इसको फॉल्टी करके देखेंगे। अभी हमें जो हमने समझा स्केमेटिक के अकॉर्डिंग, हम पहले वो चेक कर रहे हैं कि हमने जो समझा, जिस पॉइंट्स को हमने क्लियर किया वो सही है या गलत है, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए, तो उस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। तो अभी क्या है मेरा ये पॉइंट मेरा ओके गया, अभी मेरे को क्या लेना है, इसको लेना है PQ6 को लेना है, PQ8 को लेना है, और इन दोनों और ये लेना है PQ5 है ये ठीक है ना, तो इसके मुझे मल्टीमीटर को बोर्ड को बैक पे ले जाना पड़ेगा। तो बैक पे ले जाते हैं, देखिए आप सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं DC जैक के 1 2 3 4 5 पॉइंट, और ये मेरा PQ5, ये PQ6, PQ8, ये रहा PQ8, ये PQ6, ये PQ5, मतलब तीनों की टेस्टिंग मेरी यहीं पर हो जाएगी ठीक है ना। सप्लाई देना पड़ेगा, तो सप्लाई देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ऑन कर दीजिए आप, देखिए मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा और इधर से मैं मल्टीमीटर से चेक भी करूँगा, हमने इस पॉइंट को क्लियर करना है ठीक है, ठीक है मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दी, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट था, मैंने सप्लाई दे दी। मेरे को PQ8 का बेस क्या होना चाहिए 3.2 वोल्ट, सॉरी बेस बोल रहा हूँ, गेट 3.2 वोल्ट, तो गेट मेरा इसमें है PQ8 का, देखिए करेक्ट है हम 3.2 वोल्ट आ रहा है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, सोर्स तो ग्राउंड होगा है ना, इसका ड्रेन पर क्या होना चाहिए, कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए, अगर मैं कंटिन्यूटी पे चेक करूँ तो बीप आना चाहिए, मैं चेक करूँगा कंटिन्यूटी पे, मैं चेक करूँगा बीप आ रहा है कि नहीं, देखो बीप मोड पे ले लिया मैंने इसको, क्या देखना मेरे को इस पॉइंट को, ये जो मेरा पॉइंट है ड्रेन पॉइंट, यहाँ पर मेरे को बीप आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा बीप, क्लियर है, मतलब मेरा ये पॉइंट हो गया नेगेटिव, ये पॉइंट मेरा नेगेटिव हो गया, मतलब हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ये मेरा कंडक्ट कर गया, कंडक्ट कर गया तो नीचे क्या है ग्राउंड, ग्राउंड मेरा कहाँ है, यहाँ तक है, क्लियर इतना बात। चलिए उसके बाद अब मेरे को लेना है PQ6, PQ6 हमारा ये है, इसमें भी सेम वही बात होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर इसका गेट पर 3.2 है, इसके भी गेट पर 3.2, और यहाँ पर ये पॉइंट ड्रेन क्या देगा मेरा, बिप देगा है ना। पहले वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज पे लेते हैं हम इसको, और PQ6 का गेट, PQ6 का गेट, गेट हो गया ये पॉइंट आ रहा है करेक्ट है ना, और उसके बाद मैं इसका ड्रेन देखूँ तो कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, अगर मैं कंटिन्यूटी पे ले लूँ और ज़रा चेक करूँ इसे, देखो यहाँ पर लो इम्पीडेंस आ रहा है 33 ओम, लो इम्पीडेंस ही है ना ये, बिप नहीं दे रहा लेकिन लो इम्पीडेंस तो दे रहा है ना आपको, तो ये मेरा करेक्ट है ठीक है।
इम्पीडेंस काफ़ी लो जा रहा है। मैं बिप पे लेता हूँ, बिप पे लिया नहीं मैंने, बिप पे ले लिया। अब देखो बिप आ रहा है क्योंकि बिप मोड पे है, और लो इम्पीडेंस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया इसको, रेजिस्टेंस मोड पे लिया तो लो इम्पीडेंस आपको दिखा रहा है, 10, 12, 13 ओम क्या लो इम्पीडेंस है, करेक्ट। तो मेरा इसका भी टेस्टिंग हो गया। अब इसकी टेस्टिंग लेना है PQ5। इसका क्या है, यहाँ पर क्या होगा 19 वोल्ट, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, करेक्ट। मतलब इसका कलेक्टर पे है 19 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर इसका कलेक्टर लेता हूँ, कलेक्टर हो गया इसका, ये पॉइंट इसका कलेक्टर हो गया है ना, ये पॉइंट इसका एमिटर हो गया, और ये पॉइंट इसका बेस हो गया, ठीक है। जितने भी शॉट 23 पैकेज में, चाहे ट्रांजिस्टर हो चाहे मॉस्फेट हो, सबका ऐसे ही कनेक्टिविटी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, अगर ये मॉस्फेट है तो ये पॉइंट मेरा ड्रेन, ये मेरा गेट, ये मेरा सोर्स। अगर ये ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर, एमिटर, बेस, चाहे वो एन चैनल पी चैनल हो, चाहे एन पी एन हो पी एन पी हो, बात सेम है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर देखना है कि मुझे 19 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, बात समझ रहे। तो चलिए चेक करते हैं, मैं इसको वोल्टेज पे लेता हूँ, देखो मिल रहा है 19 वोल्ट, करेक्ट। और बेस पे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, सॉरी बेस बेस पे, बेस पे ये हम क्या देख रहे हैं, PQ5। तो इसके बेस पे तो कुछ नहीं मिलना चाहिए ना, तो ये हमारा मतलब कि हमने इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लिया कि ये भी मेरा क्या है, ओके लॉजिक पे है। अब मुझे चेक करना है इसको, यहाँ पर जो मैंने समझाया इस कंपैरेटर के बारे में कि ये कैसा बता रहा है, जो हमने बताया वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये कंपैरेटर है कहाँ पर, वो पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा बोर्ड पे, आई थिंक ये रहा, आप देखिए, ये क्या है, PU2 ए दे रखा है, मतलब इसका दूसरा पार्ट भी है कहीं ना कहीं, PU2 बी भी है, और कुल मिला के 8 लेग का ये हमारा कंपैरेटर है। और ये क्या है, ड्यूल कंपैरेटर, मतलब इसके दो आउटपुट्स हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर एक आउटपुट से, एक पोर्शन से काम करना पड़ रहा है, वो क्या है मेरा पिन नंबर 1, और इसका स्टेटस हमें देखना है। और ये जो हम देख रहे हैं वो हमारा जो एक आईसी था, जो कि हमने बोला कि आज ये डायोड वर्क करेगा, वो आईसी हमारी ये वाली हो गई PU3, करेक्ट। तो अब इसका हम लॉजिक यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पिन नंबर 1 ये है ना। तो फिलहाल देखो पिन नंबर 1 पे क्या आना चाहिए, मेरा जैनर दिख रहा है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जैनर ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज पुट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ पिन नंबर 1 पे मेरे को क्या मिलना चाहिए था। पिन नंबर 1 पे मिलेगा मेरे को यही 3.2 वोल्ट, ठीक है ना। वोल्टेज रेंज पे है मल्टीमीटर, देखिए करेक्ट है हम। अब इसके मुताबिक मेरा पिन नंबर 3 पे क्या वोल्टेज होना चाहिए, देखिए 1.7 के आसपास, ठीक है हम। अब पिन नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, 1.24, ठीक है हम, करेक्ट। 1.24 कौन दे रहा है, ये दे रहा है, भले इस पे 19 वोल्ट आ रहा है लेकिन जनर है, तो आपको पता है जितने वोल्ट का जनर होगा बाकी सारा वोल्टेज ड्रॉप करके जितने का जनर है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो ये आईसी है, अगर इस आईसी पे अगर हम आके आए तो इसका पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पे मेरे को 1.24 मिलेगा। देखिए इस आईसी का पिन नंबर 1 ये है, तो 3, 4 ये हो गया, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4 ये हो गया, ठीक है। पिन नंबर 3 पे 1.24, पिन नंबर 4 पे भी देखिए करेक्ट है वोल्टेज, है ना। बाकी तो ये ग्राउंड है, अगर इस रजिस्टर को हम खोज सकते हैं PR30, अगर दिखेगा मेरे को कहीं, दिख गया तो ठीक है, इधर नहीं दिख रहा है तो नहीं चेक करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिलहाल मेरे को PR30 नज़र नहीं आ रहा, आगे पीछे करना पड़ेगा। कुल मिला के मेरा यहाँ पर क्या है, लॉजिक पूरा तंदुरुस्त है, सब कुछ मेरा ओके है। अब इस पे मैं क्या करूँगा, फॉल्ट डालते हैं, फॉल्ट डाल के हम इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत से हम चलते हैं, ट्विजर लेता हूँ मैं,
अभी सॉर्टिंग करेंगे, अलग अलग पॉइंट को क्लियर करेंगे। देखिए अब यहाँ पर बात की मैंने, ये सारा हमने चेक कर लिया, हटा देते हैं इसको। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए गेट पे क्या बनेगा, 19 वोल्ट, तो फिर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट है। इसको हम चेक करके देखते हैं, मल्टीमीटर यहाँ पर है। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर ये वाला है, हमने चेक किया था, इस कैपेसिटर को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, ये कैपेसिटर को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब आप क्या करिए, ऑन करिए, डीसी को ऑन करिए, शॉर्ट किया, ठीक है ना। अब जरा देखो गेट पर क्या बन रहा है, बात समझ रहे हैं, इसके भी गेट पे, इसके भी गेट पे देखो आउटपुट में क्या मिल रहा है, सीएलआर पे नथिंग। बात समझ में आ गई, पी चैनल का कॉन्सेप्ट क्लियर, कि गेट पर अगर मेरा 19 वोल्ट बना तो ये मॉस्फेट मेरा कंडक्ट नहीं करेगा, ये मॉस्फेट कंडक्ट कर गया, ये मॉस्फेट मेरा कंडक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसको इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो वोल्टेज को पास कर देगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा फॉरवर्ड बायस में, हम इधर से वोल्टेज है ना, वोल्टेज हमारा इधर से आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में तो पास कर देगा, गेट पर वोल्टेज है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये करेक्ट बायसिंग होना चाहिए। तो एक एवरेज है 16 से लेकर के 19 वोल्ट का अगर रेंज रहेगा, है ना, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, बात समझे ना। और 9 वोल्ट तक का रेंज रहेगा, 0 to 9 वोल्ट, मतलब गेट को अगर मैं हटा भी दूं तो भी क्या करेगा, ये वोल्टेज को पास करेगा, बात समझे ना, करेक्ट। अच्छा एक और चीज देखिए, अब अगर मान के चलिए मेरा ये मॉस्फेट शॉर्ट हो जाए तो भी वही स्टेटस, मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे शॉर्ट करेंगे हम, तो इसका इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए शॉर्ट करता हूँ मैं, ये इसका कलेक्टर और एमिटर, कलेक्टर एमिटर को मैंने शॉर्ट कर दिया, ऑन करो। अभी देखो कलेक्टर एमिटर मैंने शॉर्ट कर दिया, आउटपुट कुछ मिल रहा है, 1 वोल्ट के आसपास, है ना। गेट पर देखिए हाई वोल्टेज, बात समझ में आ गई, कि अगर ये शॉर्ट हो जाए तो भी मेरा क्या होगा, 19 वोल्ट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, 19 वोल्ट आपको नहीं बन पाएगा आपके इस ड्रेन पर। इसको भी शॉर्ट करेंगे तो वही बात, बात समझ रहे हैं, इसको भी शॉर्ट करेंगे तो वही बात। तो ये हमारा प्रूफ हो गया सारा का सारा कंसेप्ट, है ना। और अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ इसका, ये जो है मेरा क्या है, बेस यहाँ पर पिन नंबर 3 जो है उस पर ज़्यादा वोल्टेज है, पिन नंबर 2 पे कम वोल्टेज है, तो मेरा ये पिन नंबर 1 क्या हाई इंपेडेंस पे है। अब मैं उल्टा काम कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पिन नंबर 3 पे वोल्टेज कम कर दूँ, पिन नंबर 2 पे वोल्टेज रहे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पिन नंबर 1 पे वोल्टेज आना बंद, क्योंकि ये ग्राउंड हो जाएगा, करेक्ट। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आई थिंक ये जो कैपेसिटर हम देख रहे हैं ना, ये वाला कैपेसिटर है, हम इसी को शॉर्ट कर दे रहे हैं। इसको शॉर्ट करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसको शॉर्ट कर दिया, ये मेरा वोल्टेज यहाँ पर कम, यहाँ पर पहले की तरह वोल्टेज बनता रहेगा, तो पिन नंबर 1 पे कुछ नहीं मिलेगा। अभी अगर मैं ओके स्टेटस की बात करूँ, तो मेरा ओके स्टेटस क्या है, ओके स्टेटस एक बार देख लूँ, ऑन कर दीजिए, पिन नंबर 1 पे मेरे को वोल्टेज मिल रहा है 3.2, है ना, पिन नंबर 2 पे मेरा क्या 1.24, पिन नंबर 3 पे मेरा क्या 1.7, करेक्ट। 8 पे
90 वोल्ट। हाँ पिन नंबर 8 पे देख लो, 8 पे भी देख लो 19 वोल्ट इसको सप्लाई काम करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं। ये जो कैपेसिटर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैपेसिटर जो है मेरा ट्रेस किया हुआ है, ये वाला कैपेसिटर है, इसको मैं शॉर्ट कर दे रहा। शॉर्ट करते देखोगे आप पिन नंबर 1 पे जो वोल्टेज मिल रहा था वो वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा आपको। कैसे करें, शॉर्ट करते हैं, इस पर सप्लाई देना है आपने। सप्लाई ठीक है, देखो पिन नंबर 1 चेक करिए आप क्या आ रहा है, नथिंग। पिन नंबर 1 पे कोई वोल्टेज नहीं, पिन नंबर 2 तो मेरा सही होगा 1.24, पिन नंबर 3 का वोल्टेज देखो क्या हो गया, नथिंग। भाई शॉर्ट कर दिया तो वोल्टेज चला गया, बात समझ में आई। इसको मैंने शॉर्ट किया, यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ पर वोल्टेज था, तो इसने क्या किया, कंपैरेटर ने देखा 3 नंबर पे कोई वोल्टेज नहीं है, है ना, 2 नंबर पे वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब 3 नंबर के बजाय 2 नंबर पे वोल्टेज ज़्यादा है। इसने क्या किया, पिन नंबर 1 को लो इम्पिडेंस कर दिया। लो इम्पिडेंस का मतलब अगर मैं इसको चेक करूँ इम्पिडेंस पे, आपको मैं इम्पिडेंस पे चेक करवाता हूँ, मतलब मैं इसको रेजिस्टेंस मोड पे ले लिया। ओके कंडीशन में देखिएगा इम्पिडेंस क्या आता है, ठीक है ना, डालिएगा। कर नहीं पा रहा, मैं इसको वो करके दिखाता हूँ, शॉर्ट करके इम्पिडेंस मेरा लो कैसे दिखाएगा। ऑफ करिएगा, देखो ग्राउंड दे रहा है, ग्राउंड दे रहा है, देखो कितना लो इम्पिडेंस है, ये लो इम्पिडेंस पे चला जाता है, बात समझ रहे हैं। तो यही होता है लो इम्पिडेंस। लो इम्पिडेंस का मतलब ये मेरा पिन क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। इसकी जो कनेक्टिविटी है, मीन्स पिन नंबर 1 की जो कनेक्टिविटी है पिन नंबर 4 से हो जाती है, कब, अगर पिन नंबर 3 पे कम वोल्टेज होगा पिन नंबर 2 पे ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो कुल मिला के हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे, हमने ये एसी फेट का जिक्र किया अगर एडाप्टर वोल्टेज आ रहा है तो, अब हम देखते हैं अगर बैटरी वोल्टेज आएगा तो कौन सा मॉस्फेट किस तरह काम करेगा। तो अगर मैं एडाप्टर हटा दूं इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना, हमें सीधा आना पड़ेगा ऊपर, ठीक है ना। तो एडाप्टर लगा है तो यहाँ पर ये क्या है मेरा ऑफ कंडीशन में है, एडाप्टर हटाते मेरा ऑन हो जाएगा, बैटरी वोल्टेज मेरा इधर आ जाएगा, बैटरी वोल्टेज मेरा यहाँ से ऐसे हो करके, ठीक है ना, इस पास से इधर आया, ठीक है ना, और आ करके ये मेरा सॉरी ये बैटरी वोल्टेज मेरा इधर से ऐसे होते हुए सीएलआर पे आया, सीएलआर से होता हुआ बैटरी वोल्टेज इधर आया, इधर आ गया, करेक्ट। अब एडाप्टर आपने हटा रखा है, गेट पर क्या बनेगा, यहाँ कुछ भी वोल्टेज बने, बनेगा तब बनेगा जब ये क्रॉस करेगा, अगर ये क्रॉस नहीं किया तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन इतना टाइम कहाँ है देखने के लिए कि क्रॉस कितने देर में कर रहा है। ये क्रॉस कर दिया, मीन्स 10 वोल्ट यहाँ पर मान के चलते हैं हम, बैटरी वोल्टेज 10 वोल्ट, हमने 10 वोल्ट यहाँ पर दिया तो 10 वोल्ट यहाँ पर भी आ गया। अब 10 वोल्ट जब यहाँ पर आ गया तो ये मेरा क्या है, एसी फेट था, बैटरी मोड में इसका कोई काम नहीं, फॉरवर्ड में है, ये वोल्टेज को पास कर दिया, लेकिन ये हर हाल में इसको रोकना है, इस वोल्टेज को अगर ये नहीं रोका तो फिर मेरा क्या होगा, एडाप्टर और बैटरी दोनों लगा के अगर हम यूज करें तो ऑन नहीं होगा बोर्ड, है ना। तो देखो जरा कि ये रोकेगा कैसे, ये तभी रोकेगा ना कि अब यहाँ पर आ गया 10 वोल्ट, सोर्स पे आ गया 10 वोल्ट, तो ये मेरा तभी इसको रोकेगा जब यहाँ पर भी मेरे को हाई वोल्टेज रहेगा गेट पे। तो हाई वोल्टेज कैसे आता है, तो हाई वोल्टेज ऐसे आता है, देखो इस रजिस्टर से होता हुआ, मतलब बैटरी मोड में मुझे दोनों के गेट पर क्या मिलेगा, वही लगभग 10 वोल्ट। तो यहाँ पे 10 वोल्ट मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो 10 वोल्ट मिला तो गड़बड़ गड़बड़ नहीं है बल्कि अच्छा है, ये कट ऑफ मोड में आ गया,
ये इसका काम ही वही है ना, रिवर्स ब्लॉकिंग मॉसफेट, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग मॉसफेट, शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं आरबी फेट। ये 10 वोल्ट को इधर नहीं जाने देगा, बात समझे ना, ठीक है ना। अच्छा इसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमारा एडाप्टर हटा दिया तो ये पैकिन नहीं बन रहा होगा, ये ऑफ ऑफ स्टेट में रहेगा, ये आपका ऑफ स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा तो फिर इस पॉइंट पे मुझे क्या वोल्टेज मिलेगा, अगर ये ऑफ स्टेट में है तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, यही 10, यही 10 वोल्ट मिलेगा, है ना। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को तो वोल्टेज इधर देना है ना। चलिए देखिए डीसी को 10 के रेंज पे ले लीजिए आप, डीसी को 10 वोल्ट के रेंज पे ले लिया, मल्टीमीटर को हम वोल्टेज रेंज पे ले लेते हैं, मेरा आ गया वोल्टेज रेंज पे ये। अब आप देखो मैं सीएलआर पे दूंगा 10 वोल्ट, ऑन कर दीजिए आप डीसी को, ऑन कर दीजिए सीएलआर पे मैंने दिया 10 वोल्ट, करेक्ट, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये रहा सीएलआर, इस सीएलआर पे मैं मुझे क्या देना है 10 वोल्ट, सीएलआर पे मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सीएलआर पे दिया 10 वोल्ट, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ चेक करना इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए, मेरा डीसी जैक का पॉजिटिव है इस पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। वोल्टेज है कहाँ तक, देखिए मैंने इस टर्मिनल पे वोल्टेज दिया है, इस टर्मिनल पे वोल्टेज है आपको 10 वोल्ट, मेरा जो एसी फेट है इसका ड्रेन पे दिख रहा है 10 वोल्ट, करेक्ट है। सोर्स पे देखिए 10 वोल्ट है ना, थोड़ा बहुत वोल्टेज कम हुआ कोई बात नहीं, 9.59 आ रहा है। गेट पर मेरा क्या है, लगभग वही वोल्टेज है ना। अब इसको रोकना है, ये रोकेगा इसके, मेरे को देखो इसके गेट पर क्या आ रहा है, वही थोड़ा बहुत कम होकर के और रजिस्टर की वजह से हो रहा है। इस साइड कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए आपको, इस साइड आपको कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए, अगर इस साइड वोल्टेज होता तो फिर वो केस क्या बन जाता, एडाप्टर और बैटरी दोनों लगाने पे मेरा बोर्ड ऑन नहीं होगा, या तो एडाप्टर सही या तो फिर बैटरी सही। तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो कैसे आपका आरबी फेट काम कर रहा है, यही कंसेप्ट सब में, कोई भी आप वोल्टिंग सर्किट ले लो किसी भी जनरेशन का, सब में यही कंसेप्ट है, बात समझे ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एस्केमेटिक को हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर लिया। तो हमारा जो एस्केमेटिक पे प्रैक्टिस करने का जो टेक्निक है यही होना चाहिए, आपके पास बोर्ड होना चाहिए, है ना, बोर्ड है, डीसी सप्लाई वगैरह है, एस्केमेटिक्स देखिए, बेहतर है कि जो एस्केमेटिक देख रहे हैं वही बोर्ड अगर आपके पास है ना, फैसर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और यहाँ पर आप खुद से पॉइंट्स क्लियर करिए, किस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होना चाहिए वो क्लियर करिए, वो क्लियर करने के बाद उसको प्रैक्टिकली चेक करिए, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली चेक कर लो, प्रैक्टिकली चेक कर लिया तो आप क्या हो गया, इतना क्लियर हो गया ना कि हाँ जो पॉइंट्स आपने लिया वो मेरा क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब मैं स्कीमेटिक को सही तरीके से समझ पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, सिंपल जितना आप समझ सकते हो, बात समझ रहे, जितना सिंपली समझ सकते हो उतना सिंपल होके समझो, चेक करो, ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, समझे ना। जनरली क्या होता ना कि देखो जो रिपेयरिंग कर रहे हैं वो ये प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे चलता है, बात समझ, लेकिन जो फ्रेशर लेवल पे हैं, जो रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं, पहली बार एस्केमेटिक देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, मतलब पहली बार लैपटॉप सीख रहे हैं, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो रिपेयरिंग करता हो तो बार बार उसके पास ये केस आते रहते हैं, वो बार बार चेक कर सकता है, लेकिन जो फ्रेशर लेवल पे हैं उनको इसी तरह प्रैक्टिस पे लेके चलना है, समझे ना। ये आप जहाँ दो चार बोर्ड का कर लोगे ना, इस तरह हर सेक्शन का प्रैक्टिस, ये नहीं कह रहा हूँ केवल इस सेक्शन का, हर सेक्शन का प्रैक्टिस कर लो, रैम सेक्शन का, 3-5 सेक्शन का, आपका एस्केमेटिक पूरा का पूरा पानी हो जाना है, समझे ना। फिर आपको क्या है कि एस्केमेटिक देखने से पहले ही आप बोर्ड को देखोगे, ट्रेस करोगे, एसी फेट आरबी फेट का आइडिया लोगे, जो भी है आप आइडिया लेंगे, आपको ना खुद ही पता होना चाहिए कि अगर मैं गेट पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ
ये कौन सा मॉस्फेट है और गेट पर क्या वोल्टेज होना चाहिए, तो पता आपको एस्केमेटिक देखने की भी जरूरत नहीं है। नहीं। गेट पर अगर मेरा वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है तो क्या वोल्टेज है जिसकी वजह से प्रॉपर नहीं है वो, और कौन सा वोल्टेज है तो हाँ गेट वोल्टेज मेरा प्रॉपर है, ये आइडिया हमारा लग जाता है। ठीक है,